साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। भारत के युवा बेरोजगार क्या कर रहे हैं, भारत के युवा बेरोजगार दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और नाच रहे हैं, भारत के युवा बेरोजगार श्री राम के जयकारे लगाते हुए तलवार भाला और त्रिशूल लेके श्री राम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, भारत के युवा बेरोजगार मस्जिद पर चढ़कर श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, नफरत का खेल खेल रहे हैं और दलितों पर पेशाब कर रहे हैं, राम के नाम पर नारे लगाते नकली भक्त और राम के इस देश में एक तथाकथित ऊंची जाति का सुअर जो अपने से नीची जाति के इंसानों को पशु समझते हैं, एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता है। हम वो वीडियो यहाँ नहीं लगा रहे हैं, उस वीडियो को देखकर लगता है कि इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह गया। क्या इंसान की चेतना मर गई है? इंसान पर पेशाब करने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता। उस पशी ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब नहीं किया है, उसने भारत की अस्मिता पर पेशाब किया है, उसने इंसानियत पर प्रहार किया है, उसने भारत की अशिक्षा भेदभाव और ऊंच नीच को पेशाब से साफ कर दिया है कि देखो तुम्हारे देश की असलियत क्या है। राम के नाम पर पाखंड करने वालों का भयाव चेहरा इस घिनौने कृत्य से साफ दिखने लगा है। घटना सीधी जिले की है। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाला प्रवेश मिश्रा एक तिलकधारी गुंडा है और भाजपा का कार्यकर्ता है। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों से कितनी घृणा करते हैं। ये घटना वो है जो कैमरे पर कैद हो गई। आप सोचिए कि कैमरे के पीछे इन दलितों पर कितना जुल्म किया जाता होगा। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत दूसरे धर्म के प्रति ही नहीं बढ़ती, अल्पसंख्यकों के प्रति ही नहीं बढ़ती, नफरत पूरे समाज में बढ़ती है। नफरत कमजोरों के प्रति बढ़ती है, नफरत दलितों के प्रति बढ़ती है, नफरत महिलाओं के प्रति बढ़ती है। अभी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कायर पुलिस ने एक महिला को बोनट में बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। देश में कमजोरों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार ऐसे गुंडों को संरक्षण दे रही है जो इन पर जुल्म करते हैं। सरकार सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखती है। नेताओं का क्या है, समाज जल रहा है तो जलने दो। इसलिए भाजपा के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा, दलितों को बारात निकालने नहीं दी जा रही, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा। पिछले वर्षों में दलितों के ऊपर हुए शोषण के कई वीडियो प्रसारित हुए हैं। रामचंद्र जी के इस देश में, जहाँ रामचंद्र जी के राज में एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पीते थे, किसी का शोषण नहीं होता था, उसी राम के देश में इस राम के नाम पर गुंडों ने देश की क्या हालत कर दी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी ने अपना पूरा जीवन जाति प्रथा के विरोध में लगा दिया। महात्मा गांधी वो सारा काम करते थे जो एक हरिजन से करवाया जाता है। उद्देश्य ये था, संदेश ये था कि सब बराबर हैं। इसी जाति विभाजन के कारण हिंदुस्तान 1000 सालों तक गुलाम रहा। गांधी जी का संदेश ये था कि जब हिंदू मिलजुल कर रहेंगे तभी तो दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन कुछ विभाजनकारी ताकतों को ये रास नहीं आया और गांधी जी की हत्या कर दी। क्या हम आज़ाद हो गए हैं? हम भले ही अंग्रेजों से आज़ाद हो गए हों, लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारी राजनीति ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। नेता लोगों को बांट कर रखता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए और वोटों का ध्रुवीकरण करता है, और हम लोग कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर उनके षड्यंत्र का शिकार होते रहते हैं। दलितों और पिछड़ों की समस्या यह है कि वह हिंदू धर्म में त्रस्त हैं और वो दूसरे धर्म के बहकावे में आकर अपना धर्मांतरण करा लेते हैं। वो दूसरे धर्मों से प्रभावित नहीं होते बल्कि वो हिंदू धर्म से त्रस्त हैं, और समस्या ये है कि जब वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो भी हिंदू विरोध करते हैं।
ऊंची जाति के हिंदू ना तो पिछड़ों को अपने धर्म में चैन से रहने देते हैं और ना ही दूसरा धर्म अपनाने देते हैं। हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में जो नफरत का माहौल बना वो कभी नहीं हुआ। भाजपा ने हिंदू मुस्लिम नफरत को बहुत हवा दी और भाजपा ने खुद को हिंदू रक्षक के रूप में स्थापित करने की बहुत कोशिश की। भारत में 110 करोड़ हिंदू हैं और 25 करोड़ मुसलमान हैं। क्या हिंदुस्तानियों को मुसलमानों से कोई खतरा हो सकता है? क्या हिंदुस्तानी कायर हैं, नारा लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र है ही, कोई शक है क्या? अब ये नफरत हिंदुओं के बीच बढ़ती जा रही है। हिंदू जाति के नाम पर ही घृणा की सारी हदें पार कर रहा है। मार्केट में कई पाखंडी बाबा आ गए हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम 100 साल पीछे चले गए हैं। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जगह मंदिर निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। गिनती के राजनीतिज्ञ, पूंजीपति, धर्मगुरु, मीडिया और गिनती के उच्च पदों पर बैठे नौकरशाहों का एक लूट का गिरोह बन गया है जो 140 करोड़ लोगों का शोषण कर रहे हैं और जनता धर्म और जाति की अफीम खा के बेहोश है। नमस्कार।